तो आज हम लोग का टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोबल। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोबल के बारे में जानने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। सिर्फ और सिर्फ 11-12 के मध्य से नज़र नहीं रखना है इसको, 11-12 इवन यूजी के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, आवाज़ क्लियर जा रहा होगा आप लोग को भी। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोबल, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एक बहुत वास्ट सिलेबस है। ठीक है, लेकिन अगर 11-12 के क्लास में अगर देखा जाए तो इसके लिए मात्र एक छोटा सा चैप्टर दिया गया है। ठीक है, रहने दो, अच्छा लाइट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा चमक नीचे नहीं ना रहा, ऊपर थोड़ा सा चमक रहा है, तो जिसको चमकता हुआ दिख रहा है उसका किस्मत भी चमकेगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो मात्र यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पेज, दो पेज, तीन पेज, चार पेज, पाँच पेज का एक छोटा सा चैप्टर इसमें दिया हुआ है, पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नोबल से रिगार्डिंग, क्लास 11-12 का बुक में है। भाई साहब, मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि NCERT जो कुछ भी अपने स्टूडेंट्स को देती है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि NCERT जो भी कुछ अपने स्टूडेंट्स को देती है वो एकदम फिल्टरेट करके देती है ना, फिल्टर्ड थिंग्स देती है स्टूडेंट्स को ला करके, कहीं से भी कोई मिक्सचर नहीं होता है। और जो भी कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है वो एकदम यूजफुल चीज़ मिलता है। ठीक है, तो आज इसी को हम लोग देखने वाले हैं और बिल्कुल NCERT के सिलेबस के ऊपर मैनिफेस्टोड करके मैं आप लोग को बता रहा हूँ स्टोरी ऑफ और द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश नोबल। इंग्लिश नोबल के हिस्ट्री को जानेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश नोबल को हिस्ट्री के बारे में बात करने से पहले, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग को बता दूँ कि एक क्वेश्चन हमेशा अराइज होगा। कौन सा क्वेश्चन भाई साहब? तो व्हाट इज नोबल, नोबल क्या है या नोबल क्या है। जिस तरह से हम लोग इंग्लिश पोएट्री कर रहे थे तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था व्हाट इज पोएट्री, इंग्लिश ड्रामा कर रहे थे तो बताए थे व्हाट इज ड्रामा, और आज हम लोग करने जा रहे हैं इंग्लिश नोबल। और लैंग्वेज के बारे में बताए थे तो व्हाट इज लैंग्वेज, ये भी मैंने डिस्क्राइब करा था। तो इंग्लिश नोबल के बारे में जब बता रहे तो इसके बारे में डिस्क्राइब करना बनता है। सो व्हाट इज इंग्लिश नोबल, सबसे पहले नोबल के बारे में जानेंगे क्या होता है। अ नोबल इज अ वाइटल रिकॉर्ड, नोबल एक वाइटल रिकॉर्ड है। वाइटल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े पैमाने पर जब किसी चीज को अच्छे से रिकॉर्ड करा जाता है ना, तो उसको नोबल कहते हैं। तो कह सकते हैं लिटरेचर के सेंस में नहीं, अगर इसको ब्लॉगिंग के सेंस में ले जाएं तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, एक मूवी बनाया जाता है, डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसे कहा जाता है, तो हम उसको भी एक तरह का वाइटल रिकॉर्ड ही माना जाता है। सो वी कैन से दैट नोवेल इज अ वाइटल रिकॉर्ड और नोवेल इज अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ विच थिंग, ऑफ व्हाट वी सी, जो हम लोग देखते हैं उसका वाइटल रिकॉर्ड हो सकता है, वाइटल डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, जो हम लोग फील करते हैं, जो हम लोग सोच रहे होते हैं और जो हम लोग सीख रहे होते हैं। हाँ, क्या बोले? अच्छा, ये फी डबल एल कर, ओहो, हाँ। तो देखिएगा, तो क्या बोल रहे थे, व्हाट इज नोबल, नोबल इज अ वाइटल रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वी सी, व्हाट वी फील, व्हाट वी थिंक एंड व्हाट वी लर्न। जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी हम लोग सीख रहे हैं, जो भी हम लोग सोच रहे हैं, जो भी हम लोग महसूस कर रहे हैं, इस सारे चीज को अगर एक साथ डॉक्यूमेंट्री करके निकाला जाए, या इन सारे चीजों को एक साथ अगर हम लोग इसका रिकॉर्ड निकाले तो एक वाइटल रिकॉर्ड निकलेगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोबल कहते हैं। ठीक है, एक नोबल कहेंगे। और क्या कह सकते हैं, इसी चार चीज के बेस पर हम लोग यहां बोल सकते हैं कि नोबल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। यही चार चीज तो लाइफ होता है ना, देखना, महसूस करना, सोचना और सीखना, जीवन यही है। चार दिन का जीवन, चार गो स्तंभ यहां पर दिया हुआ है, देखिए, सोचिए, मतलब महसूस करिए, सोचिए और सीखिए। खाना पीना तो भाई साहब, भोजन, कपड़ा, आवास, तो ये सब बना हुआ है ही, लेकिन अगर एजुकेशन के क्षेत्र में चले जाए, सो दीज आर द फोर बेसिक पिलर्स ऑफ लाइफ। तो जीवन को अगर हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं जहां पर, उसी को क्या कहते हैं भाई, उसी को हम लोग नोवेल कहते हैं। बेसिकली पोएट्री भी एक तरह का वही चीज है, ड्रामा भी वही चीज है, लेकिन अभी हम सारे चीज के बारे में आएंगे, बात करेंगे कि कौन किससे कैसे डिफरेंस कर रहा है, कैसे अंतर रख रहा है। सो व्हाट इज नोबल, नोबल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज किसी भी भाषा को माध्यम रखते हुए अगर किसी के जीवन की या किसी भी वस्तु के जीवन के बारे में अगर हम लोग एक्सप्रेशन दें, एक्सप्रेस करें उसे, तो इसको क्या कहा जाएगा, नोबल कहा जाएगा। बस अर्थ कि माध्यम एक भाषा होनी चाहिए, है ना।
अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो विदाउट मीडियम वी कैन टॉक, है ना, एक माध्यम सिर्फ और सिर्फ ये हवा है, यहाँ का वातावरण है, हम आप लोग को बिना बोले हुए भी समझा सकते हैं, बहुत कुछ बता सकते हैं और आप लोग समझते भी हो, है ना, समझ ही गए होगे इसका क्या मीनिंग है। तो आखिर इसका मीनिंग क्या है, जब तक एक भाषा का यूज नहीं किया गया तब तक हम लोग वहां पर नोवेल को नहीं लिख सकते हैं। सो फॉर राइटिंग अ नोवेल यू मस्ट नो अ लैंग्वेज। ओके, नोवेल इज नॉट न्यूजलेस, सॉरी, नोवेल इज नॉट न्यूनेस, इट जेन्यूननेस। नोवेल नयापन नहीं देता है। अगर किसी का ऐसा लगता है कि नोवेल पढ़ के कुछ नया सीखने को लिए मिलेगा, नया तो मिलेगा ही, अगर नोवेल को पढ़ने के बाद किसी को ऐसा लगता है कि नोवेल में कुछ नयापन होगा या नोवेल खुद एक नयापन का एग्जाम्पल है, सो नहीं, नोवेल में न्यूनेस नहीं आता है। न्यूनेस कहाँ हम लोग को मिलता है? इन ड्रामा, नॉट इन नोवेल, इन प्ले, नॉट इन नोवेल। नोवेल में हम लोग को नहीं मिलता है। तो नोवेल में हम लोग को क्या मिलता है विद्यार्थी? नोवेल में हम लोग को मिलता है जेन्यूननेस, जो चीज जेन्यून है, है ना, जो चीज स्थापित है, जो चीज सही है, जो चीज सत्य है, जो चीज तर्कपूर्ण है, जो मतलब हमेशा किसी भी चीज के बाद, तर्क के बाद जो जीते, जो सर्टिफाइड है, जो फिल्ट्रेट है, वही क्या है? जेन्यूननेस है, और वही क्या है? नोवेल है। सो व्हाट इज नोवेल? नोवेल इज नॉट न्यूनेस, इट्स जेन्यूननेस। नोवेल न्यूनेस नहीं है, नोवेल जेन्यूननेस है, ये जेन्यून चीज को दिखलाता है। इसमें कहीं पर भी फिक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। यहां पर इमेजिनेशन तो है लेकिन बियॉन्ड द वर्ल्ड लेकर के नहीं जाता है। अगर ड्रामा की बात करें तो हम लोग को बियॉन्ड द वर्ल्ड लेकर के जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें नोवेल की तो हमको बियॉन्ड द वर्ल्ड कभी लेकर के नहीं जाता है। चाहे किसी की भी बात कर ले, इंडियन राइटर में मुल्कराज आनंद साहब की भी बात कर ले, तो उनका भी ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा बियॉन्ड द वर्ल्ड लेकर के वो गए हैं। बियॉन्ड द वर्ल्ड नोवेल हम लोग को लेकर के नहीं जाता है, है ना। अब आप लोग को तो पता होगा नोवेल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, वो भी अभी हम लोग कुछ देर के बाद बात करेंगे। सो From where a novel grows? A novel grows directly out of life. जीवन से ही novel निकलता है, है ना? जीवन से ही novel बाहर आता है। So अगर हम लोग N O B E L को N O B L E भी कर दें तो गलत हम लोग नहीं होंगे। क्यों गलत नहीं होंगे भाई साहब? क्योंकि novel ही novel है और novel तो novel है ही। इसका मीनिंग होता है उपन्यास नोवेल, और इसका मीनिंग होता है कोई इंसान अगर अच्छा हो, कोई इंसान अगर जेन्यून हो। तो नोवेल खुद जेन्यूननेस को दर्शाता है और जेन्यूननेस तो नोवेल है ही। क्लियर है? सो नोवेल इज नोवेल। अब आगे बात करते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ नोवेल। जिस तरह से हम लोग ड्रामा पढ़ रहे थे तो ड्रामा में कुछ एलिमेंट्स होते थे, जैसे प्लॉट कंस्ट्रक्शन, कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टर्स स्केच होता था या कैरेक्टर्स हम लोग ले रहे थे, डायलॉग्स हुआ करते थे, फिर हम लोग का सोलिलोक्वी था, फिर हम लोग का अलग अलग प्रॉप्स यूज किए गए थे। इस तरह से हमारा जो नोवेल है, नोवेल में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। विदाउट दीज एलिमेंट्स वी कैन नॉट थिंक अबाउट राइटिंग अ नोवेल और रीडिंग अ नोवेल। इवन नोवेल जैसे ही पढ़ते, कभी भी किसी भी चैप्टर को पढ़ा जाए तो उससे पहले इन नोवेल को पढ़ रहे हैं तो इतने चीज को तो कम से कम ध्यान में रखना ही चाहिए। पहला हमारा है सेटिंग। ड्रामा में नहीं मिलता है सेटिंग हम लोग को, कभी भी ड्रामा में सेटिंग नहीं मिलता है, लेकिन नोवेल में हम लोग को सेटिंग मिलेगा कि कहां पर उस स्टोरी को या कहां पर उस नोवेल को प्लेस किया गया है। नोवेल के अंदर एक कहानी होगी तो उस कहानी को कहां पर प्लेस किया गया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेटिंग कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लॉट के बारे में। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? प्लॉट के बारे में। तो ये जो प्लॉट है, प्लॉट जिस तरह से ड्रामा में हम लोग को पता चला था व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी ऑफ ड्रामा इज कॉल्ड द प्लॉट ऑफ ड्रामा, एंड हियर व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी ऑफ नोवेल इज कॉल्ड द प्लॉट ऑफ द नोवेल। तो नोवेल के अंदर एक कहानी चल रहा, उस कहानी में क्या क्या हुआ। जैसे कोई कहानी होता है तो नहीं समझाता है, एक राजा था, एक थी, ये थी, दोनों एक जगह पर गए, इस तरह से काम किया, उसके बाद यहां पर आगे बढ़ा, वहां लड़ाई हुई, वहां झगड़ा हुआ, उसके बाद वापस उन दोनों में दोस्ती हो गया, दोस्ती होने के बाद वे लोग एक दूसरे के साथ मैरी कर लिए और ये दोनों एक राज में आकर के रहने लगे। तो हम लोग को पता चला एकदम शॉर्ट अमाउंट ऑफ स्टोरी पता चला। तो जब कहानी का जो निचोड़ होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं बेसिक मात्रा में प्लॉट कहते हैं। ठीक है, सो इट इज द प्लॉट। अब बात करते हैं थीम। किसी भी कहानी को लिखा जाए, किसी भी नोवेल को लिखा जाए, किसी भी चीज को इवन लिखते हैं तो उसका कोई ना कोई एक थीम होता है, है ना। ट्रेजिक स्टाइल में होगा, रोमांटिक स्टाइल में होगा, क्या ड्रामेटिक स्टाइल में होगा,
या कौन से स्टाइल में होगा। तो दैट इज द थीम ऑफ द नॉवल, इसी चीज को हम लोग नॉवल का थीम कहते हैं। बहुत सारे प्रकार के यहाँ पर थीम होते हैं, अभी सारे के बारे में डिस्क्राइब करते चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टर्स के बारे में, जब जिस तरह से पोएट्री में हालांकि कैरेक्टर्स की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में, नोवेलिटी में, नोवेला में, फिक्शन में, नॉन फिक्शन में, स्टोरीज में, और साथ ही साथ हम लोग ड्रामा की बात करें, प्ले की बात करें, मूवीज की बात करें, तो उनमें कैरेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। व्हाई? कैरेक्टर्स डिपिक्ट्स द एक्शंस, कैरेक्टर्स ही एक्शन को दर्शाने के लिए वहां पर आते हैं। बिना किसी कैरेक्टर के हम लोग एक्शन को वहां इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, है ना। और कैरेक्टर भी वैसा ही हम लोग को चूज करना पड़ेगा किसी भी नोवेल में या किसी भी ड्रामा में, कि वो जो कैरेक्टर हो, मतलब जिस कैरेक्टर को हम लोगों ने चूज करा है, वो टिपिकली वहां पर एकदम रिलाई करे। क्लियर है? इमेजिन करो कि एक विलन का रोल है और उस विलन के रोल में हम लोग पा रहे हैं इनको अमरीश पुरी को, तो बहुत अच्छा लगता है ना देखने में, क्योंकि अमरीश पुरी बहुत ही अच्छा विलन का रोल कर सकता है अपने आप में। लेकिन अगर हम लोग राजपाल यादव को विलन के रोल में डाल दे तो क्या वो अच्छा लगेगा? इवेंचुअली नॉट, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि राजपाल यादव आया है और यहां पर ये विलानिटी को दर्शा रहा है। राजपाल यादव तो कॉमेडियन है, हम लोग के माइंड में आएगा क्या? नहीं। तो कैरेक्टर्स भी वैसा ही चूज किया जाना चाहिए जिस तरह का उसका एक्ट हो, है ना। एक्ट के आधार पर कैरेक्टर का चयन होना चाहिए, एंड दीज आर द कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स फिल्स अ बेसिक एंड इवेंचुअली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नोवेल एंड सो ऑन टाइप ऑफ थिंग्स, राइटिंग थिंग्स। नेक्स्ट है फिक्शन एंड इमेजिनेशन। इसका एक एलिमेंट फिक्शन एलिमेंट भी होता है, इमेजिनेशन एलिमेंट भी होता है, लेकिन यह कैसा होता है भाई साहब? यह रियलिस्टिक इमेजिनेशन होता है, है ना। हम एक बार में डायरेक्टली बोले, एक शेर आया हमसे आकर के बात करा, आनंद सर आप कैसे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? ये अनरियल इमेजिनेशन है या अनरियल फिक्शन है, ठीक है। हम एक और इमेजिनेशन किए कि अभी मेरे पिताजी हमें मेरे पास आया, हमको आकर के डांटने लगे, हालांकि ये सही नहीं हुआ अभी, लेकिन ये रियल इमेजिनेशन है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? 100% हो सकता है। हम बोले कि हम आसमान में ऐसे ऐसे करके उड़ रहे थे, क्या हो सकता है ऐसा? नहीं। हम एरोप्लेन में बैठ के आसमान में उड़ रहे थे, ऐसा हो सकता है कि नहीं? इमेजिनेशन, दोनों चीज इमेजिनेशन ही है, लेकिन एक इमेजिनेशन ऐसा है जो रिलायबल है कि हाँ उसका ओर अंत छोर अंत पता चल रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ, कहां अंत हुआ, आई वो पता नहीं चल रहा कहां से स्टार्ट हुआ, कखनी स्टार्ट हुआ। सो जिसके बारे में पता हो, इमेजिनेशन रिलायबल होना चाहिए, एंड सो इज द एलिमेंट ऑफ नोवेल। आगे बात करेंगे डायलॉग्स एंड द सेंटेंसेस। सो वी फाइंड द डायलॉग्स एंड द सेंटेंसेस इन द नोवेल टू। नोवेल में या किसी भी स्टोरी हो, कोई भी स्टोरी हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी नोवेल हो, उसका एक डायलॉग ही ऐसा चीज है जो उसको अमर कर देता है, या पोएम ही क्यों ना हो, उसका एक डायलॉग ही ऐसा चीज है जो किसी भी पोएम को, किसी भी स्टोरी को, किसी भी ड्रामा को क्या कर देता है, अमर कर देता है। कोई भी मूवी है ना, एक मूवी था उसमें बोला था, इफ यू थिंक यू आर बैड आई एम योर डैड, कौन मूवी था याद है? KGF था। फिर एक मूवी था वहां पर बोला था कि कमाल करते हो, स्वागत नहीं करोगे हमारा, एक हीरो था वो कहता है कमाल करते हो, स्वागत नहीं करोगे हमारा, वो कौन मूवी था? दबंग। तो अलग अलग मूवीज है जिसको अमर बन चुका है, किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ उसके टैगलाइन के कारण, उसके डायलॉग्स के कारण। एक मूवी में कहता है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, नहीं जी, अमिताभ बच्चन का डायलॉग था। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग यही देख रहे होते हैं कि जो डायलॉग्स होता है वो स्टोरी को, या जो सेंटेंसेज होता है, द चूज ऑफ वर्ड का जो चयन होता है, वो किसी भी स्टोरी को, किसी भी नोवेल को, किसी भी ड्रामा को क्या करता है, एक हायर लूप में लेकर के जाता है, एक लंबे समय तक उसको जिंदा रखने की कोशिश करता है। और अब तक जितने भी स्टोरीज हैं, जितने भी ड्रामाज हैं, जितने भी फिक्शन हैं, जितने भी नॉन फिक्शन पोएम्स हैं, सब का सब वर्ड चयन के, मतलब शब्दों के चयन के आधार पर ही अभी तक बचे हुए हैं, वरना किसी पोएम का या किसी इसका औकात नहीं था कि अब तक बचा हुआ रहता। करोड़ों करोड़ कम से कम तो आया हुआ होगा अभी तक लिटरेटिव वर्ड में, लिटरेटिव वर्क्स में बहुत सारे पोएम्स होंगे, बहुत सारे स्टोरीज होंगे, बहुत सारे राइटर्स इवन लाखों में पढ़ने के लिए हम लोग को मिल जाते हैं, तो करोड़ों में तो वर्क आराम से होना चाहिए ना, क्या जी? तो करोड़ों में वर्क होगा, लेकिन उन सारे वर्कों को अभी तक सब लोग याद रखता है। क्यों याद रखता है? ओनली बिकॉज ऑफ द डायलॉग्स एंड द सेंटेंसेस।
ठीक है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द थिंग। और लास्ट है क्लाइमैक्स। किसी भी नोवेल में एक लास्ट एलिमेंट, एक सबसे मजबूत एलिमेंट क्लाइमैक्स को माना गया है कि नोवेल को अगर पढ़ता है कोई व्यक्ति तो उसके क्लाइमैक्स के ऊपर जरूर जाता है, और अगर कोई नोवेल को तरक्की पाना है तो उसका क्लाइमैक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। क्लाइमैक्स मतलब उसका अंतिम सीन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर अंतिम सीन बर्बाद हो जाता है किसी नोवेल का तो नोवेल नोवेल नहीं रहता है। और आजकल जितने भी मूवीज बनाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द मूवीज आर बेस्ड ऑन नोवेल्स। आधा से ज्यादा मूवी तो नोवेल के ऊपर बेस्ड रहते हैं। आप लोग को याद होगा चेतन भगत ने लिखा था क्या, हाफ गर्लफ्रेंड, अब फटाक से उसके ऊपर मूवी भी आ गया, एकदम कंटेम्प्ररी सोसाइटी का मूवी है भाई साहब। तो कैसे है, उस चीज को पढ़ने में लोगों को मजा आया, डायरेक्ट ने उस चीज को देखा कि अरे भैया लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसके में कुछ डायलॉग्स का एकदम पुटअप कर देते हैं, डिट्टो वही चीज एकदम डाल दिया, थोड़ा सा इधर आगे पीछे करके, तेल मिर्च मसाला नून लगा करके, और एकदम वो कितना सक्सेस पाया मूवी। सो दिस इज द थिंग, दीज आर द थिंग, क्लाइमैक्स, डायलॉग्स, फिक्शंस, कैरेक्टर्स, थीम्स, प्लॉट, सेटिंग एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो व्हाट आर दीज थिंग, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ अ नोवेल। अंडरस्टूड, यहां तक समझ में आया। अब हम लोग टाइप्स ऑफ नोवेल के बारे में बात करने से पहले हम लोग डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड नोवेल के बारे में जान लेते हैं कि भाई साहब क्या अंतर है ड्रामा और नोवेल के बारे में। ठीक है, इतना अच्छा तो आ रहा है, आई थिंक सो कि हिल नहीं रहा होगा, और उधर भी ठीक आ रहा है ना, देखते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ड्रामा एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस, बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ड्रामा एंड नोवेल, नोवेल और ड्रामा में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट यही है कि ड्रामा न्यूनेस के लिए लाया गया था, ड्रामा में न्यूनेस होता है लेकिन नोवेल में न्यूनेस नहीं पाया जाता है। नोवेल में क्या पाया जाता है, जेन न्यूनेस, है ना। ड्रामा में क्या पाया जाता है, कस के न्यूनेस, इसमें नोवेल में क्या पाया जाता है, जेन न्यूनेस। तो ड्रामा न्यूनेस के लिए लाया गया था। आप लोगों को बता दे कि ड्रामा जो है कौन से एज में आया था, नियो क्लासिकल एज में आया था। कब आया था भैया, नियो क्लासिकल एज में आया था। क्या चीज, ड्रामा। लेकिन ये जो जेन न्यूनेस वाला चीज है ना, ये हम लोग का 18th सेंचुरी में आया है, कह सकते हैं एक तरह से कि मॉडर्न इरा उस समय चलने वाला था, तो स्टार्टिंग ऑफ मॉडर्न इरा में ये आया। तो हम लोग देख सकते हैं कि न्यूनेस का जरूरत नोवेल को है ही नहीं। क्या जी, नोवेल खुद एक नया चीज है, नोवेल में अपने आप में नयापन है, नोवेल खुद एक नया वस्तु है जिसको लोग देखना पसंद करता है, पढ़ना पसंद करता है। सो नोवेल इज नॉट अबाउट न्यूनेस। व्हाट इज अबाउट न्यूनेस, द ड्रामा इज अबाउट न्यूनेस, क्योंकि नयापन के लिए ड्रामा को लाया गया था स्टार्टिंग से। ठीक है, पहले ड्रामा नहीं चलता था, लोगों ने सोचा कि ड्रामा ला देंगे, लाइफ के बारे में स्टेज पर दिखा देंगे, लोगों को पसंद आएगा, इंटरटेनमेंट होगा। नोवेल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, नोवेल इज नॉट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, इट ओनली फॉर द सेक ऑफ द रीडर्स टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, इन ओनली फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसे किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाया जाए, कैसे किसी के स्किल को डेवलप करा जाए, कैसे किसी को जीवन के बारे में समझाना है या समझना है, नोवेल समझा सकता है या ड्रामा आप लोग को। ड्रामा में मोरल होता है, ठीक है, लेकिन ड्रामा इज फॉर द सेक, वी हैव टू से दैट ड्रामा इज बेसिकली सेंटर्ड ऑफ द इंटरटेनमेंट। ड्रामा इंटरटेनमेंट को टैकल करता है, लेकिन नोवेल एडुटेनमेंट को टैकल करता है। भैया इंटरटेनमेंट, ये इंटरटेनमेंट जो है और एडुटेनमेंट, एडुटेनमेंट का मतलब क्या हो गया, एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट एक साथ मिक्स कर दिया गया, तो नोवेल एडुटेनमेंट को टैकल कर रहा है। एजुकेशन तो दे ही रहा है एकदम अलॉट ऑफ मात्रा में, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ आपको एजुकेशन मिल रहा है उसमें, लेकिन उसमें जब पढ़ता है लोग तो डूब जाता है। बहुत सारे जैसे डेनियल डिफोस का लिखा हुआ है यहां पर है, अभी यहां मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, रॉबिन्सन क्रूसो, डूब जाते हैं लोग इसको पढ़ने वक्त। हालांकि ड्रामा में भी डूब जाते हैं, लेकिन इट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ, मोस्टली फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट, और यहां पर क्या होता है, इट इज फॉर द सेक ऑफ एडुटेनमेंट। So, हम लोग कह सकते हैं कि ये न्यूनेस के ऊपर आधारित होता है और नोवेल जेन न्यूनेस के ऊपर आधारित होता है। सेकेंड वन, इसे थिएटर में दिखाया जा सकता है लेकिन इसे कहीं नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, अभी फॉर इंस्टिंक्टिव यूज वी कैन डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन, इसे स्क्रीन पर आजकल हम लोग दुनिया में दिखला रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, इसे थिएटर में दिखाया जाता था, थिएटर में किसी नोवेल को नहीं दिखाया जाता है, दिखा भी नहीं सकता है कोई। ठीक है ना, फिर होता है टू बी एक्टेड, ड्रामा होता ही है एक्ट करने के लिए, ड्रामा में एक्टिंग होता है, ओवर एक्टिंग भी मिलता है, लेकिन नोवेल में ओवर एक्टिंग किसी चीज के बारे में नहीं मिलता है, जो रियल है उसी चीज को दर्शाया जाता है,
किसी के साथ अगर ह्यूमिलिएशन हुआ है तो जितना हुआ है उतना ही दर्शाया जाता है। ये नहीं कि किसी को एक थप मार दिया तो हमारा हड्डी टूट गया, पंजरा टूट गया, सब ढीला हो गया, ये ड्रामा में होता है, समझा। सीरियल वीरियल नहीं देखे हो, उसमें क्या होता है ड्रामा। हम लोग यहाँ ऐसे आइसक्रीम खा रहे हैं, नीचे मनी जिरमनी गिर गया, समझ रहे हो ना तुम लोग, तो आइसक्रीम खाएं नीचे जिरमनी गिर गया तो हम लोग ठीक है पैर से ऐसे साइड कर दिए, या घर में खा रहे हैं तो नीचे गिर गया तो ठीक है। अब अगर कहीं और से, मतलब अगर इसको ड्रामेटिक फॉर्मेशन में, ये नोबल वाला फॉर्मेशन में था, है ना, नोबल में लिखा हुआ था, एक लाइन है कि आनंद कुमार बैठा आइसक्रीम खाने के लिए, आइसक्रीम नीचे गिरा, आनंद ने पैर से साइड किया आइसक्रीम को और अगला सिप लिया उस चीज का। लेकिन अगर ये ड्रामा हम लिख रहे होते तो उसमें क्या दर्शाते, अब आइसक्रीम खाए नीचे गिरा तो एकदम स्लो मोशन में नीचे जा रहा है, उधर से सासू माँ देख रहे, उधर से आंसू माँ देख रहे, उधर से बासू माँ देख रही है ना, उधर से ननद देख रहा, उधर से भौजाई देख रहा है, समझ लिया, उधर से एक्ट मतलब डायरेक्टर देख रहा, प्रोड्यूसर देख रहा, सब ऐसे एकदम लाइट मार रहा, धूम धूम उसका म्यूजिक तो है ये अलग से, क्या जी उसका म्यूजिक भी अलग से चलता है, तो म्यूजिक चल रहा है और उसमें भी बोल रहा है दे दे दे, अरे आइसक्रीम में गिर गए तो कहाँ से दियो, ये बोलता है ऐसे आइसक्रीम खा रहे गिर गया, अब म्यूजिक चलेगा धूम तन दे दे दे, हम वहां पर रहेंगे तो बोलेंगे आइसक्रीम गिर गया तो कहां से दे। तो दिस इज द बेसिक एलिमेंट कि इसको एक्ट किया जा सकता है ड्रामा को, लेकिन कभी भी नोवेल को एक्ट नहीं किया जाता है, नोवेल को लाइफ में उतारा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक्टर्स आर नीडेड, यहां पर एक्टर्स की जरूरत होती है, एक्ट करने वाले लोगों की जरूरत होती है। यहां पर अपने मन में हम ही लोग अपने आप को एक्टर भी समझ लेते हैं, हम ही लोग अपने आप को विलन भी समझ लेते हैं, मतलब जो जिसका इच्छा जिसका जैसा इंटोनेशन वैसा वो अपने आप को समझता है और उस स्टोरी में एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डील्स विथ अ टिपिकल एंड लिमिटेड एरिया, ये जो ड्रामा होता है ना वो टिपिकल लिमिटेड एरिया को ही दर्शाता है, ये आपके माइंड ऑफ इमेजिनेशन माइंड को आपको ओपन नहीं करता है, इसके पास एक लिमिट होता है, यहां तक ही जाना है, इतना ही डायलॉग बोलना है, इतना ही आगे बढ़ना है, लेकिन इनके पास है ना ब्रॉड साइज, नो लिमिटेशन, यहां जो होता है लिमिटेशंस नहीं है भाई साहब, नोवेल्स में लिमिटेशंस नहीं है, आप जहां तक लिख सकते हैं जिस क्षेत्र में लिख सकते हैं, है ना, वो बहुत अच्छा चीज होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्हाट आर द, सबसे पहले तो बात हम लोग को ये करना चाहिए कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ नोवेल, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ नोवेल के बारे में बात करेंगे। तो ये है भैया हिस्ट्री ऑफ नोवेल, द इंग्लिश नोवेल स्टार्टेड इन 18th सेंचुरी, बेसिकली 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, लेकिन पैराडॉक्स ये है ना, बात के अंदर एक बात यही बताई जाती है कि बनियान, जॉर्ज बनियान 1628 और 1628 टू 1688 तक चला था, ये 17th सेंचुरी में थे, बोला जाता है कि इंग्लिश ड्रामा कब स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये कब के राइटर थे, 17th सेंचुरी के। और डैनियल डिफो जो 17th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक चले थे, तो बेसिकली स्टार्टिंग इन्हीं ने किया था माना ऐसा जाता है, इन्होंने भी लिखा था, लेकिन इनका उतना ज्यादा रीडेबल नहीं है, उतना ज्यादा लोग रीड नहीं करता है, और इनका बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, इसीलिए इनको बोला जाता है द पर्सन हु फर्स्ट रोट द नोवेल इन इंग्लिश, ठीक है। सो डैनियल डिफो 1660 में जिनका जन्म हुआ, 1731 में इनका मृत्यु हुआ, 16th सेंचुरी, हाफ 16th सेंचुरी जब बीत गया था तो भी इनका जन्म हुआ, और फर्स्ट हाफ 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी जब आने वाला था तब इनका मृत्यु भी हो गया, ठीक है। वेयर ओनली राइटर्स टू प्रोड्यूस नोवेल बिफोर 18th सेंचुरी, लेकिन इन लोगों ने 18th सेंचुरी से पहले ही नोवेल को प्रोड्यूस कर दिया था। येट वी कंसिडर, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि रॉबिन्सन क्रूज़ो जो है ये दुनिया का सबसे पहला नोवेल माना जाता है, एज द फर्स्ट नोवेल इन इंग्लिश दैट वॉज रिटन बाई डैनियल डिफो, किनके द्वारा लिखा गया था, डैनियल डिफो साहब के द्वारा लिखा गया था, कब लिखा गया मतलब डैनियल डिफो का जन्म कब हुआ था, 1660 में, मृत्यु कब हुई थी, 1751 में। आगे बात करते हैं टाइप्स, सॉरी 1731 में, 51 बोल दिए, 1731 में। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नोवेल के बारे में, ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नोवेल, आई थिंक सो क्लियरली दिख रहा होगा, कटने ना रहा है, कटने ना रहा है, थोड़ा थोड़ा कट रहा है, तो बोलता बोलना चाहिए था ना, चलिए अब यहां से देखते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ नोवेल के बारे में, आज पूरा पढ़ लो, इतना ज्यादा नहीं है,
और नहीं होगा अगर यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो एक दो बार इसको वीडियो को स्लो मोशन में करके देख लेना, है ना, माइनस में करके व्यू बढ़ेगा ना मेरा क्या। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ नॉवल, कुल 9 तरह के नॉवल पाए जाते हैं। पहला है आपका एपिस्टोलरी, दूसरा है पिक्चरेस्क्यू, तीसरा है एक्सपेरिमेंटल नॉवल, चौथा है नॉवल ऑफ मैनर्स, पांचवा है सेंटिमेंटल नॉवल, चौथा मतलब सिक्स्थ नंबर पर आता है गॉथिक, उसके बाद यहाँ पर हिस्टोरिकल नॉवल, सोशल रियलिज्म को दर्शाने वाला नॉवल, और फिजियोलॉजिकल नॉवल जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस को देखा जाता है। फिजियोलॉजिकल प्याजोलॉजिकल नहीं बोलिएगा, ठीक है, याद आ गया। एक जगह वीडियो बोला अभी वो सचिन बता रहा था कि फिजियोलॉजिकल को कहीं वीडियो देखा तो उसको बोल रहा था प्याजो लोगे कल, है ना, प्याजो लोगे कल, तो कल प्याज नहीं लेना है, आज फिजियोलॉजिकल पढ़ लेना है। सो दिस इज द फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ ड्रामा। अब इनके बारे में समझना है तो फटाफट एकदम YouTube पर अगर देख रहे हो तो कमेंट मारो कि जल्दी से जल्दी अगला वीडियो लाइए, नहीं तो क्लास में तो पढ़ाइए रहे हैं भाई साहब, तो क्लास में हो जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ सर हमको इसके ऊपर चाहिए, अगला वीडियो भी चाहिए, कमेंट जितना ज़्यादा आएगा उतना ही जल्दी इसके ऊपर वीडियो आएगा। ना कमेंट आएगा भैया हमको क्या पढ़ा हुआ है, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अपनों को क्या है, अपने को तो तेल निकालने से मतलब है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अगले क्लास में जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। हाँ अरे देखो भुला गए, बोला सब्सक्राइब के लिए करने का। हाँ तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिए, जहाँ तक हो सके इसे शेयर करिए। भाई साहब देखो कोई इसमें ये नहीं है कि मूवी है नाटक है नौटंकी है और इससे ये होता है, कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ है, सीखने के लिए मिलेगा। तो अपने परिवार के साथ, पिताजी के साथ, माताजी के साथ, बंधु जी के साथ, भाई जी के साथ, जहाँ तक हो सके इसको शेयर करिए, फैलाइए, अपने दोस्तों के साथ फैलाइए। जिसको इंग्लिश की सख्त ज़रूरत है उन लोगों के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा तरीका से एजुकेशन, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में ये वाला चीज़ जो है नहीं कहीं मिलता है भाई, सब लोग पेड करके इसको देता है, ठीक है। अगर मिलेगा भी तो रुक जाओ, अगर मिलेगा भी तो इस तरह से नहीं देगा। तो आप लोग से निवेदन यही है कि इसको शेयर करिए, आप लोग के लिए ही है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाल वाला बटन है उसके ऊपर तकिया फेंक के मारो, अपना सर बजाड़ो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। चलिए जय हिंद जय भारत, दिल से थैंक यू वेरी मच, कट करो। हाँ।